बस बड़ी दुख की बात है भाई कि हमारे साथ भी फ्रॉड होने लगा आजकल। तो जितने भी मेरे डिलीवरी करने वाले भाई हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं भाई, एक रिक्वेस्ट है, ऐसा मत किया करो यार। किसी का पैसा आप जो खा रहे हो यार, कुछ भी कर रहे हो भाई, कुछ कहीं भी नहीं लगेगा। ये मेरे पार्सल होते हैं यार, मैं पार्सल डिलीवर करता हूँ, अगले कस्टमर को ये लोग डिलीवर कर देते हैं, कोई ओटीपी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। पार्सल उनको डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद अपनी पेमेंट जेब में और मेरे को आरटीओ डिलीवर्ड। कहने का मतलब गया भाई कि मेरे पास पार्सल वापिस आ जाते हैं। अभी मैं पार्सल पैक करता हूँ, जैसे आपको अमाउंट दिखाऊंगा। देखो इसमें घड़ी थी भाई T800 अल्ट्रा, ये मेरे को इन्होंने आरटीओ भेजा। यार आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसमें निकलेगा क्या। ये देखो T800 अल्ट्रा मैंने वॉच भेजी थी, वेबसाइट पर क्या रखा है इन्होंने, आरटीओ डिलीवर्ड मार रखा, मतलब कि कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये देखो ये मेरा लेबल है, इस तरीके से मैं पैकेजिंग करता हूँ पूरे पार्सल की, टेप वेप लगा के प्रॉपर अच्छे तरीके से। इन्होंने मेरे को रिटर्न डाला हुआ है, ये आपके सामने है, मेरा लेबल भी है HR iPhone Hub का। कोई बात नहीं भाई, ने वापिस एज इट इज RTO मार रखा, रिटर्न मार रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सड़ी हुई पैकिंग तो मैं करता भी नहीं, छोटी भी नहीं करता। तो वापिस देखो इन्होंने भेजा क्या मेरे पास, ये देखो भाई। तो इस भाई को कोई समझाए कि मेरे भाई पैसा मैं घर से लगा रहा हूँ। ये देखो क्या भेज रखा भाई, अब ये 800 रुपये की घड़ी है, इसने कस्टमर को घड़ी दे दी, उससे पैसे ले लिए, कस्टमर को घड़ी मिल गई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगा। कस्टमर को घड़ी दे दी, उससे पैसे भी ले लिए, पैसे जेब में, और ये पार्सल रिटर्न। मेरे पास कुछ नहीं बचा भाई, मेरे पार्सल वापस आ चुका, मेरे पास कोई पैसा नहीं आएगा। मैंने डिलीवरी लगाई है, मेरे डिलीवरी चार्जेस गए, सारा कुछ खत्म। मेरे को क्या मिला, ये चीज। तो डिलीवरी वाले भाई जितने भी डिलीवरी कर रहे हैं, खास करके मेरी तो भाई सुन लो, रिपोर्ट डालूंगा बढ़िया तरीके से। नौकरी से आप भी हाथ धोलोगे, फायदा कुछ नहीं है। ये 2000-500 रुपये बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कमा लोगे, जेब में डालो, कितने दिन खा लोगे। रिपोर्ट जो करूंगा ना मेरे भाई, नौकरी भी नहीं मिलेगी दोबारा, तो उस चीज का ध्यान रखना। एक और पार्सल दिखाता हूँ, दूसरा पार्सल है, ये भी डिलीवरी का पार्सल है। इसमें थे कॉम्बो, एक गोल्डन वॉच थी, एक एयरपोर्ट्स प्रो थे। इतनी सड़ी हुई सी पैकिंग, सभी को पता है मैं नहीं करता। पार्सल खोल के दिखाता हूँ आपके सामने, इसमें भी देख लो निकलता गया। ये लो जी पार्सल ओपन कर रहा हूँ भाई, देखो पास से देखो क्या भेज रखा भाई। इन्हें कोई समझाए, मन तो इतना करता है ना भाई भी गालियां दे ऐसे बंदों को कि क्या कर लो यार। ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या भेज रखा बंदे ने, मैं तो शर्म की बात है यार, बंदे को शर्म आनी चाहिए यार। मतलब इतने हद तक यार हमारे साथ ही फ्रॉड। अभी ये पार्सल मेरे पे वापिस आ गए भाई, 2000 रुपये का ये सामान था, 1000 रुपये का ये सामान था, बताओ मेरे को क्या मिला। कस्टमर से पैसे भी ले लिए, दोनों की रिकॉर्डिंग पड़ी है, रिकॉर्डिंग पूरी डालूंगा भाई, और जिसका भी जिसने भी ये काम किया, दोनों काम हल्के में मत लेना भाई इस चीज को, वाकई बता रहा हूँ। और आगे भी जो भाई डिलीवरी करते हैं तो भाई ध्यान रखा करो इस चीज का, हम भी आपके जैसे भाई है, हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई हमारे पास भी आराम का पैसा नहीं आ रहा कि कुछ इस तरीके से करके आपको फ्री में बांट दे। तो इस चीज का यार खासकर ध्यान रखा करो। खैर दो पार्सल है, दोनों की ट्रैकिंग है, दोनों की अनबॉक्सिंग है, वीडियो पोस्ट भी करूंगा, आगे भी भेजूंगा, और ये चीज दोबारा मत करना। इससे पहले भी मेरे पास 5-10 पार्सल ऐसे आ चुके हैं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये का नुकसान पहले भी हो चुका है, और 3,000 रुपये का नुकसान आज हो चुका है। तो मेरी जेब में भाई कोई आप डाल के नहीं जा रहे पैसे, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी कमाता है पैसा बंदा। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखो यार, ये चीज मत किया करो, बाय रिक्वेस्ट है, ये चीज मत किया करो, पैसा कहीं नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं लगेगा। इससे अच्छा मेहनत करके कमा लो, वो ज्यादा बढ़िया है, मेहनत के 2 पैसे कमा लो, बट ये चीज कभी मत करना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रजित भाई क्या हाल है? हेलो। हाँ जी रजित भाई क्या हाल है? बढ़िया, ये कौन? पंकज बात कर रहा हूँ भाई, HR iPhone Hub से। कहाँ से? HR iPhone Hub बिलासपुर से बोल रहा हूँ। अपने को वॉच ऑर्डर की थी ना आपने? हाँ जी हाँ जी। वो मिल गया आपको? हाँ जी मिल गई। पेमेंट ले गया आपसे वो? पेमेंट ऑनलाइन करते जी। अच्छा किसके नंबर पे, लड़के के नंबर पे की थी क्या, डिलीवरी वाले के नंबर पे की थी? नहीं कैश ऑन डिलीवरी दी थी उसको। अच्छा उसी को पैसे दिए थे सारे? हाँ कैश ही दिए थे 800। क्या उसका नंबर है डिलीवरी बॉय का या डिलीवरी बॉय का? देखना पड़ेगा उसका, एक बार नंबर भेज सकते हो मेरे को अगर मिल जाए? चलो मैं कर देता हूँ, सेंड कर दो। अच्छा एक चीज और बताओ, आपके फोन में रिकॉर्डिंग होती है वाला कॉल की, मतलब उसने कॉल किया जब आपको? नहीं होती। नहीं नहीं ओटीपी ले गया था आपसे वो, ये बताओ? ओटीपी वगैरह तो कुछ नहीं लिया उसने। कुछ नहीं लिया? नहीं। चलो वो घड़ी मिल गई और आपको? हाँ मिल गई। चलो ठीक है भाई। यही नहीं अभी और सुनिए, तो दूसरा पार्सल था जो सेकंड पर्सन, दो पार्सल थे ना उसमें, जिसमें चूड़ियाँ निकली है भाई। हाँ जी नवीन भाई क्या हाल है?
बस बढ़िया सर। बढ़िया पंकज बात कर रहा हूँ एचआर आईफोन आपसे। हाँ जी सर। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था आपको पार्सल मिल गया मैं क्या? हाँ वो पार्सल मिल गया था। वो पार्सल मिल गया आपको? हाँ मिल गया ना। मेरे पास तो रिटर्न आ रखा है आपका पार्सल। नहीं नहीं पार्सल मिल गया मेरे को। अच्छा पैसे ले गए आपसे वो? पैसे मैंने उनको कर दिए थे। वो गूगल पे किए थे कैसे कैश किया था? मैंने उनको किया था फोन पे किए थे। अच्छा फोन पे उनके नंबर पे किए थे क्या डिलीवरी कंपनी वाले पे किए थे सीधा? उनके नंबर पे किए थे वो जो डिलीवरी नंबर वाले थे ना उस पे हुए नहीं वो। अच्छा हुए नहीं क्या करने नहीं दिए उन्होंने? नहीं वो कुछ बता रहा था रॉन्ग बता रहा था वो। अच्छा रॉन्ग बता रहा था। हाँ, एक का ओटीपी वगैरह लिया उन्होंने आपसे कुछ? ओटीपी वगैरह नहीं लिया। ओटीपी वगैरह बिना ओटीपी के डिलीवर कर दिया? हाँ। अच्छा जी क्या हो रखा थे आपके? अच्छा एक बात बताओ आपके पास रिकॉर्डिंग है उनकी कॉल की जब वो आपको कॉल की थी उन्होंने आने के लिए? रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास। नहीं होगी यार रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग करता नहीं हूं। अच्छा एक्चुअली क्या कर रखा है यार उन्होंने पार्सल आपको मेरे पास आरटीओ डिलीवर्ड मार रखा है मतलब रिटर्न आ रखा है और उसमें चूड़ियां भेज रखी है भाई। और यार फ्रॉड हो गया तुम्हारे भाई के साथ भी। तुम्हें तो सामान दे दिया पैसे तुमने अपने नंबर पे करा लिए ना उसने। मैं जाके उनके ऑफिस जाके लेके आया था मेरे को उन्होंने क्या बोला मैंने कॉल किया उनको। हाँ तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आज नहीं मैं दूंगा कल दूंगा। अच्छा कल भाई मेरे को मंगवाया तो मैं ले लूंगा। हाँ और मेरे पास में उनकी ऑफिस थी। ठीक है तो मैं वहाँ पे गया और उनसे मैंने लिया वहाँ से। आप एक बार ऑफिस पे जाकर उनकी मेरी बात करा सकते हो? हाँ करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं। उसका ना एक काम करना उस बंदे का जिसने आपको सामान दिया ना जिसका डिलीवर किया उसका नंबर दे देना मेरे को लेके। और बिल्कुल, बिल्कुल, और छोटे भाई के लिए एक काम और कर देना। बिल्कुल कर देंगे। सुनो उन्हें एक बात बताना कि ना कंप्लेंट डाली है उन्होंने आपकी क्योंकि मेरे पे ना सामान उन्होंने रिटर्न मार रखा ना सारा। हाँ जी। मेरे पे तो चूड़ियां डाल के भेज रखी मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा चूड़ियां भेज रखी मेरे को डाल के और मतलब पैसे आपसे ले लिए मेरे को सारा मेरे पे कोई पैसा नहीं आएगा मतलब सामान का। कोई दिक्कत नहीं है परसों जाके आना मेरी बात करा देना एक बार नवीन भाई। ठीक है भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। ठीक है भाई। तो भाई ऐसे हो रखा है हमारे साथ तो ये सामान भेजा उन्होंने और भाई साहब क्या करें सामान का हमें कोई बता दो इस चीज़ का सोल्यूशन बता दो भाई। रिपोर्ट तो मैंने डालनी है देखो डिलीवरी भाई जिसने भी डिलीवरी की है और पहले भी हो चुका है ऐसा 10-15 हज़ार का नुकसान पहले हो चुका है 3-4 हज़ार का नुकसान आज हो गया तो ऐसे कब तक चले गए मुझे तो पता नहीं। इसका सोल्यूशन अगर किसी को पता है वो भी बता दो वरना कंप्लेंट तो मैंने डालनी है तो देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। बाकी एक बार बात कर लेते हैं अगर सेटलमेंट हो जाती है तो बढ़िया वरना इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन फिर हमें करना पड़ेगा।